हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अवरेन सिंह फ्रॉम एवी केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों का कहना है कि केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर आईयूपीएसी नहीं याद हो रहे हैं। क्यों नहीं याद हो रहे, कभी सोचा है? बचपन में एबीसीडी पढ़ी, आज तक याद है। बचपन में 1 2 3 पढ़ी, आज तक याद है। बचपन में साइकिल सीखी थी, महीनों से सालों से हम लोगों ने साइकिल नहीं चलाई, फिर भी मिल जाए तो हम लोग चलाने लगेंगे। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि उसकी प्रैक्टिस इतने ज़्यादा बार हमने की कि आज भी वो चीज़ें याद हो जाती हैं, राइट? तो हम लोग क्या है, केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर आईयूपीएसी क्यों नहीं याद होते? क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे बारिश में मेढक नहीं, हाँ भाई एग्ज़ाम है, कल से सर ने बोल दिया कि भाई कल टेस्ट है, तब तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोरिंग लगता है, और बोरिंग कोई चीज़ तब तक लगती है जब तक आपको नहीं आती है। जिस दिन आपको वो आनी शुरू हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट जनरेट शुरू होना हो जाएगा, उस दिन वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको समझ में आएगा, आप पढ़ने लगोगे। और फिर जब कोई चीज़ इंटरेस्ट के साथ पढ़ी जाती है तो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। मतलब स्ट्रक्चर के साथ दोस्ती कर लो, आईयूपीएसी के साथ दोस्ती कर लो। दोस्ती करने का मतलब करो तो निभाओ। रोज़ दिन में 2 बार मिलना है, नहीं 2 बार मिल सकते तो 1 बार तो मिलना ही है। एक स्ट्रक्चर को लो, हफ्ते भर बनाओ, दूसरा स्ट्रक्चर की तरफ मत देखो, एक के साथ वफादारी निभाओ लगातार। एक स्ट्रक्चर सुबह बनाओ, एक स्ट्रक्चर शाम को बनाओ, विश्वास मानो वो 2 स्ट्रक्चर एक हफ्ते के अंदर 100%। देखो फिर कहोगे सर इतना समय नहीं बचा है। होता क्या है कि भाई वैसे भी आपको कौन सा सारे याद हुए जा रहे हैं, बॉन्ड अलग अलग ही लगाने हैं आपको, हेटरो एटम अलग अलग ही लगा देते हो, सही जगह लगता ही नहीं है आपका। तो इन चीज़ों के लिए ध्यान रखो, एटलीस्ट 10 स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उन 10 में 5 भी आ गए तो उसके नंबर पक्के हो जाएंगे। पढ़ाई इस तरह की जाती है, ये नहीं कि सारे सिलेबस को हमने कवर करके रखा है और ज़रूरत में हम पढ़ कुछ नहीं पा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं ऐसी पढ़ाई का। जितना सिलेबस है उतना 100% तो करके रखो। जिसमें स्ट्रक्चर आईयूपीएसी की बात करो तो मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं इसमें, बिल्कुल अगर सही तो सही और गलत तो 0, बीच का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से बार बार पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे। एक बार भाई वाटर का स्ट्रक्चर H2O किसी से पूछ लो, हमेशा याद रहता है, कभी नहीं पढ़ते फिर भी याद क्यों रहता है? क्योंकि एक टाइम था हाईस्कूल इंटर में, 9th में 6th में 7th में पढ़ते चले आ रहे, इतने बार लिखा, इतने बार बनाया कि नहीं भूल रहे हैं। अब नए नए स्ट्रक्चर आ गए हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर आ गए हेलोपेरिडॉल वगैरह के, इसलिए भूल जा रहे हैं। एट्रोपिन के आ गए, नियोस्टिग्मिन के आ गए, फाइसोस्टिग्मिन, क्यों भूलोगे? जो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा भूलते हो उतने ज़्यादा बार बनाओ, यही एक तरीका है। जो चीज़, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ लगे उस सब्जेक्ट के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताओ, और वक्त जब बिताओ तो वफादारी के साथ बिताओ। ये नहीं कि बैठे रहे आप सब्जेक्ट के साथ हो और दिमाग में कुछ और चल रहा है। इस तरह से पढ़ोगे, विश्वास मानो कभी नहीं भूलोगे, कभी नेवर। और इस तरह नहीं भी पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। एग्जाम के पहले मास्टर टिप है, समझ लो, इसको गांठ बांध लो। सिर्फ एग्जाम की बात नहीं, जीवन में कहीं भी किसी भी चीज के लिए अगर आपने कभी भी प्रयास किया है तो इस तरह से प्रयास करो कि प्रयास आपका जुनून में कन्वर्ट हो जाए। जिस दिन जुनून बना लोगे अपने प्रयास को कि रात को नींद आनी कम हो जाए, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी कामयाबी को मिलने से रोक नहीं सकती। इतना ध्यान रखो, ओके।